आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से बड़े बेड्स। जल्द लगेगा एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। अस्पताल में 100 बेड्स बढ़ाने की तैयारी। अजमेर जिले का पहला ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में शुरू होने के बाद अस्पताल में बेड्स की संख्या 35 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सैटेलाइट अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल ने बताया कि यूके से आयातित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लग जाने से मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं में विस्तार करते हुए अब यहां बेड्स 35 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं। जिन पर ऑक्सीजन सप्लाई चालू है, उन्होंने बताया कि एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जल्द ही राजस्थान सरकार द्वारा मिलने वाला है, जिसके बाद सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड्स की संख्या 100 हो जाएगी। इस वक्त अस्पताल में 33 मरीज इलाजरत हैं, 17 मरीजों के लिए जगह खाली है। जल्द ही यहां 100 बेड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। गौरतलब है कि संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाद अजमेर के आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट राजकीय अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल बन गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पहले हमारे सैटेलाइट अस्पताल में 35 मरीजों की भर्ती करी जा रही थी, पर जैसे हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा है और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और जो सप्लाई है डायरेक्ट सिलेंडर की बढ़ गई है, उसके उपरांत हमने हमारे बेड्स की संख्या 50 बढ़ा दी है। इस सप्लाई को बढ़ाने से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं कि हम एक्स्ट्रा मरीजों को भी भर्ती कर पा रहे हैं, उनकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं और हम जितने सीरियस मरीज हैं जो हाई फ्लो पे भी रह रहे हैं उनको भी रखने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। इसके अलावा एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट राजस्थान सरकार की तरफ से भी अब लगने वाला है और उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे पूरे अस्पताल के जो 100 बेड हैं उनमें हम डायरेक्ट ऑक्सीजन पैनल लगा देवे ताकि 100 मरीजों को एक साथ हम भर्ती कर सकें। हमने इसके टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं और जिसकी भी रेट सबसे लोएस्ट होगी उसको हम ये 50 बेड्स और बढ़ाने की अनुशंसा करेंगे ताकि हम आगे कभी भी कोरोना के मरीज ज़्यादा बढ़े तो हम उसको 100 या 150 मरीज के पलंग तक की व्यवस्था हम कर पाएंगे। तो टोटल बेड की कितनी व्यवस्था है अभी? तो 50 हैं और 50 पे मरीज भर्ती हैं? नहीं, अभी हमारे यहाँ पे 33 मरीज भर्ती हैं और 17 मरीज के लिए हमारे पास पलंग खाली है। किसी को भी भर्ती की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल आराम से पलंग खाली है हमारे पास और हम आगे एक महीने के अंदर 50 बेड की संख्या और बढ़ा के उसको 100 तक कर देंगे।